मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसे सच कर दिखाया है कुलगाम के मुनीब अहमद भट्ट ने। मुनीब अहमद भट्ट को एप्पल के बाद अब अमेरिका के नासा ने अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। मुनीब ने इन इदारों में मौजूदा सिस्टम में न सिर्फ खामियां तलाश की बल्कि उनके सैकड़ों के पर्सनल डेटा को भी हैकिंग से महफूज किया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में, मुझे दे इजाजत आदाब। साउथ कश्मीर का ये इलाका कभी दहशतगर्दाना सरगर्मियों की वजह से चर्चा में रहा करता था। यही कुलगाम एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन किसी टेरर एक्टिविटी की वजह से नहीं, बल्कि एक होनहार नौजवान मुनीब अहमद भट्ट के एक कारनामे से। दुनिया के दो सबसे बड़े इदारों ने उसकी खिदमात के अवज में उसे अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। ये इदारे हैं एप्पल और नासा। कंप्यूटर में माहिर मुनीब ने अपनी महारत से नासा के 60 से ज़्यादा ऐसे खुफिया डेटा को हैकिंग से महफूज किया जो स्ट्रेटजिक लिहाज से अमेरिकी इदारे के लिए खासे अहमियत के हामिल थे। बता दें कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में सबसे बड़ा और अहम इदारा माना जाता है। मुनीब ने नासा के सिस्टम में ऐसी खामियों का पता लगाया जिसकी मदद से उसके पर्सनल डेटा को आसानी से हैक किया जा सकता था। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर मुनीब ने नासा के वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम के तहत पेश की गई अपनी रिपोर्ट में सिक्योरिटी ब्रीच के मुख्तलिफ पहलुओं की निशानदेही की। मुनीब ने बताया कि अमली तौर पर उसने पहले नासा की साइट हैक की और उसके बाद फिर इसे सिक्योर करने का तरीका भी बताया। मुनीब की इन खिदमात का इतराफ करते हुए नासा ने उसे अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। जी सर, मैंने जो है ऑलमोस्ट मोर देन 16 प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनके साथ काम किया है और उनको सिक्योर किया है। उनमें से बहुत सारी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि एप्पल है, नासा है जो आपको पता है रिसेंटली, और मैकडॉनल्ड्स है, इंटेल है, यूएसएसए है, बहुत सारी और भी कंपनीज है, प्राइवेट है, पब्लिक है, बहुत सारा। तो पिछले साल 2023 अक्टूबर में मैंने जो है वर्नेबिलिटी फाइंड की थी, जो क्रिटिकल डेटा वर्नेबिलिटी थी एप्पल में, उसमें जो था 15,000 यूजर जो जिनका पर्सनल कॉन्फिडेंशियल डेटा था वो लीक हो रहा था, वो मैंने फाइंड किया डेटा लीक, और उसके बाद मैंने जो है एप्पल को ये जो है रिपोर्ट किया एथिकली। तो उसके बाद उन्होंने वैलिडेट किया और मुझे एज एक्नॉलेजमेंट हॉल ऑफ फेम में मुझे उन्होंने मेंशन किया। जंगलपुरा के रहने वाले 22 साल के मुनीब को इससे पहले एप्पल ने भी कंपनी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया था। एप्पल और नासा के अलावा मुनीब दुनिया की दूसरी मारूफ और मशहूर कंपनियों के लिए भी काम कर चुका है। मुनीब पिछले 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहा है। बीटेक की तालीम बीच में छोड़ने के बाद इस वक्त वो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से BCA का कोर्स कर रहा है। उसका मानना है कि कश्मीर में सलाहियत की कमी नहीं है, बस ज़रूरत है उन्हें मुस्बत सिमत देने की। टेक सेवी मुनीब को हैकिंग का इल्म उस वक्त ही हो गया था जब वो दर्जा 5 का तालिब इल्म था। उसका कहना है कि डिजिटल वर्ल्ड में आज कुछ भी पर्सनल नहीं रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, केसर टीवी।